जॉम्बी एंड पिगलिन। जॉम्बी और पिगलिन बेसिकली बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे और हमेशा इसी वजह से जॉम्बी उस सब में काफी ज्यादा अच्छा था। जॉम्बी जैसे एक बार चिकन लाया, चिकन लाते ही जॉम्बी वहां पर अपने पेट को फुला लिया था। इस वजह से वहां पर जो उसके सामने वाला फ्रेंड होता है वहां पर वो गिर जाता है। दैट्स व्हाई हीरो ब्राइन वहां पर प्लान करता है एक न्यू गेम का जिसका नाम था बर्गर मेकिंग चैलेंज। लेकिन यहाँ पर जो दो भाई साहब थे वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग थे। जैसे ही पूरे के पूरे मैप को दिखाया गया, लास्ट में एक बर्गर था जिसमें सबसे पहले आती है जॉम्बी भाई जी की बारी। जैसे ही जॉम्बी की बारी आती है सबसे पहले जॉम्बी वहां पर खाता है कुकुम्बर। दैट्स व्हाई वो जस्टिफाई कर पाता है जब वो कुकुम्बर खाता है वो पतला होता है और जब वो बर्गर खाता है तब वो काफी ज्यादा मोटा होता है। उसे याद आ गई थी हीरो ब्राइन की सारी बातें, इस वजह से वो आगे जाता है। उसने जस्टिफाई कर लिया था कि जब वो कुकुम्बर खाएगा तब वहां पर वो ठीक हो जाएगा। इसी में वो काफी ज्यादा सोचते सोचते आगे जब गया वहां पर वो भिड़ गया और जिसके बाद उसे मोटा होना पड़ा नेक्स्ट लेवल पार करने के लिए। लेवल 4 में फाइनली वो आ चुका था और उसने खा लिया था एक बर्गर और अब चाहिए थी उसे फिटनेस। लेकिन वो एक और बर्गर खा लिया था और जिसके बाद वो काफी आसानी से आगे जाता है। लेकिन अभी भाई साहब जी को नहीं पता था आगे एक पार्कोर आने वाला है। दैट्स व्हाई वहां पर कुकुम्बर भी उन सबको डराकर भाग गया था और जिसके बाद वहां पर जो पार्कोर थे वो भी काफी ज्यादा प्रेशर में आ गए और जिसके बाद वो लेवल 5 में ही हार गया। एंड हीरो ब्राइन भी बर्गर ठूस ठूस कर काफी ज्यादा मोटा हो गया था। एंड अब बारी आ चुकी थी स्केलेटन की। जैसे स्केलेटन वहां पर पहुंचता है उसने तो पहले ही जस्टिफाई कर लिया था कुकुम्बर खाते ही वो काफी ज्यादा पतला होगा, लेकिन अब तो वो पतला होने से भी ज्यादा पतला हो जाता है। दैट्स व्हाई एक ब्लॉक उसके सर्वर में गिरता है और जैसे ही वो ब्लॉक उसके सर पर गिरता है उसे उसकी नानी याद आ जाती है। हीरो ब्राइन वहां पर काफी गुस्से में एक कैन फेंकता है। दैट्स व्हाई वहां पर एक होल होता है और उसकी वजह से वो आग जाता है। उसने यहां तक जस्टिफाई कर लिया था कि अगर वो जैसे ही बर्गर खाता है तो उसे एक लाइफ मिलेगी। दैट्स व्हाई वो आगे की तरफ को जाता है। जैसे ही उसे एक और चीज दिखती है वहां पर वो बर्गर खा लेता है और जिसके बाद उसका स्केली काफी ज्यादा मोटा होने लगता है और दैट्स व्हाई वो आगे जाने के लिए प्लान करने लगता है। एंड वहां पर अचानक से फेंकने लगता है हीरो ब्राइन उसके ऊपर बर्गर। दैट्स व्हाई वहां पर वो जैसे ही बर्गर खाता है वो काफी ज्यादा मोटा होता है एंड लेवल 4 पे आते आते वो मारा जाता है। और ये सब किया था हीरो ब्राइन ने। हीरो ब्राइन भी काफी ज्यादा मोटा हो चुका था इतनी सारी चीजें खाने के बाद और जिसके बाद वहां पर उसका पेट इतना ज्यादा अजीब हो चुका था जिसकी वजह से काफी ज्यादा वो अनोइंग दिख रहा था। जैसे ये बारी आती है वहां पर वो अपने पेट से ही ड्रैग कर लेता है और जिसके बाद उसे समझ में नहीं आता आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। और लिटरली वो काफी ज्यादा जोर से जाते जाते पार्कोर में पहुंचते पहुंचते वो अपने आप ही आगे की तरफ को बढ़ने लगता है। अब वो आ चुका था लेवल 6 में। लेवल 6 में आना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, लेवल 6 में आना बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। और जैसे ही वो लेवल 7 पार करता है वो आगे की तरफ को देखता है एक बहुत ही जायंट बर्गर। उसे चाहे कुछ भी हो जाए नो मैटर व्हाट वो वाला बर्गर खाना ही था और उस बर्गर को खाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। जैसे ही वो देखता है वहां पर कुकुम्बर वो काफी ज्यादा पतला होता है और जिसके बाद वो लास्ट कुकुम्बर कैसे भी करके नहीं खाता और जिसके बाद वो लास्ट बर्गर खाने के लिए वहां पर अटैक करता है। लेकिन वहां पर लगी हुई थी एक ग्लास जिसे वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाता और जिसके बाद That's reason वहां पर हीरो ब्राइन और भी ज्यादा मोटा हो रहा था और जिसके बाद वहां पर वो इतना ज्यादा मोटा हो चुका था कि वहां के जितने भी कंसिस्टेंट थे वो काफी ज्यादा घबरा गए थे हीरो ब्राइन को देखकर। जैसे ही वहां पर बारी आ जाती है एंडरमैन की, एंडरमैन सबसे पहले वहां पर बर्गर खाता है। लेट मी नो एंडरमैन के साथ क्या होता है। एंडरमैन जैसे ही लेवल 2 में आता है वो अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर की मदद से हर एक जगह से काफी अच्छे से वो एस्केप कर जा रहा था। फाइनली वो लास्ट में पहुंचकर उसे जायंट बर्गर दिखता है, लेकिन हीरो ब्राइन का बर्गर खत्म हो चुका था जिसके बाद वहां पर वो देखता है उसके पास एक भी बर्गर नहीं है। दैट्स व्हाई वहां पर वो लास्ट बर्गर मांगता है उसे, चाहे कुछ भी हो जाए वो बर्गर उसे खाने का है। और जैसे ही वहां पर विदर स्केलेटन जाता है वो बर्गर हीरो ब्राइन के पास लाता है क्योंकि विदर स्केलेटन अगर वो बर्गर उसे देता तो वो फ्री में जीत सकता था। लेकिन
लेकिन हीरो ब्राइन नॉर्मल हो गया था और जिसके बाद वापस से वो सारे कंटेस्टेंट को बुलाता है राउंड टू के लिए, और जिसके बाद पिछले राउंड में पता नहीं चल पाया था आखिर कौन जीतेगा। दैट्स व्हाई वहां पर सारे कंटेस्टेंट आते हैं ऊपर से टपक टपक कर, लेकिन जैसे ही वहां पर स्केलेटन की वहां पर बॉडी आती है, स्केलेटन न जाने कैसे वहां पर अचानक से चेंज हो जाता है। लेकिन अब मैच स्टार्ट हो चुका था, हीरो ब्राइन वहां पर से मैच स्टार्ट करने के लिए कह चुका था, और जिसके बाद उसे दिखते हैं सामने की तरफ को ग्रीन रोल और जिसके बाद रेड रोल। जैसे ही वो रेड रोल के पास जाता है न जाने उसे समझ में नहीं आता आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन हीरो ब्राइन सर पकड़ लेता है और जिसके बाद उसे बताता है उसे ग्रीन रोल के सामने जाना है, और उसे समझ में आ जाता है आखिर उसे अब कहाँ जाना है। अब वो इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था कि अब उसे जाते जाते आगे मिलता है येलो। जैसे उसे येलो मिल जाता है वैसे ही वहां पर वो सोचता है अब उसे क्या चाहिए होगा, वैसे ही वहां पर वो हीरो ब्राइन से पूछता है और जस्टिफाई कर लेता है उसे अब क्या चाहिए। वो वापस से येलो चूज करता है और राउंड टू के ही अंदर उसे मिल जाता है पूरा येलो, और जिसके बाद उसे समझ में आ चुका था पूरा गेम, और जिसके बाद वो अपना सर एक जगह पर फंसाता है। फाइनली वो पहुंच चुका था अपनी राइट प्लेस पर। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है वहां पर वो सर्कल्स लेता है, देन वो आगे जाता है। फाइनली वो फिनिश लाइन पर पहुंच चुका था। जैसे ही वो फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है वहां पर वो जीत चुका था। क्रो ने उसके मुंह पर भी अटैक कर दिया था। अब बारी आ जाती है वहां पर जॉम्बी की। जॉम्बी वहां पर जैसे ही लेवल वन पे पहुंचता है, लेवल वन पे वो जैसे ही सामने देखता है वहां पर वो जस्टिफाई नहीं कर पाता आखिर उसे क्या चाहिए, लेकिन वो जैसे ही एक होल आगे फेंकता है उसे समझ में आ जाता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। वहां पर वो येलो चूज कर लेता है। येलो चूज करते ही वहां पर अचानक से अपने सर के ऊपर जैसे ही वो चेक करता है वहां पर वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा था। फिगर आउट वो नहीं कर पा रहा था कि आखिर उसे अब आगे कैसे जाना है। तभी अचानक से वो होल में अपना मुंह फंसाता है एंड जस्टिफाई करने के बाद उसे वापस से दो ऑप्शन दिखते हैं, एंड अब वो बन चुका था पूरी तरीके से रेड। रेड बनते ही वहां पर अचानक से उसे एक ऑब्स्टिकल नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही वो अब उसे ऑब्स्टिकल दिखता है फाइनली अब वो वहां पर जाता है। लेकिन जैसे ही वहां पर वो ऑब्स्टिकल उसे वापस फेंकता है वहां पर वो हार कर गेम वापस आ जाता है। हीरो ब्राइन को इसी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि अब बारी आ जाती है वहां पर एंडरमैन की। एंडरमैन जाते जाते वहां पर डायरेक्ट उस ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए उसे डायरेक्ट ऊपर जाना था। दैट्स रीजन वो टेलीपोर्ट कर लेता है खुद को ऊपर की तरफ को। ऊपर की तरफ को टेलीपोर्ट करने के बाद वहां पर वो एक बार में सारी चीजों को लेता है, एंड इस चीज को हीरो ब्राइन देखकर काफी हंस रहा था। दैट्स रीजन वहां पर वो हर एक लेवल पार कर जाता है, और जिसके बाद वो जीतते हुए भी नीचे गिरकर हार जाता है, एंड उसके जीतने का कोई भी मतलब नहीं निकलता। एंड अब लास्ट बारी आ चुकी थी स्लाइम की। स्लाइम आखिर कैसे करता, अगर उसे मौका दिया भी जाता तो कैसे जीत पाता। लेकिन स्लाइम वहां पर एक एक करके सारी चीजों को ले रहा था, लेकिन जैसे ही वो आगे रेड में जाता है वहां पर वो अब कैसे लटकता, उसके पास तो कुछ था भी नहीं। लेकिन उसे अचानक पता चलता है कि वो ग्रीन है, और जिसके बाद उसका साइज और भी ज्यादा छोटा हो जाता है। दैट्स व्हाई वहां पर वो कुछ भी नहीं कर पाता, और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन उसके थूकने की वजह से स्लाइम फंस चुका था उस सर्कल के अंदर, एंड अब स्लाइम जाने वाला था आगे की तरफ को। अब स्लाइम वहां पर पहुंच तो चुका था, लेकिन जैसे हीरो ब्राइन देखता है वहां पर उसे समझ में नहीं आता आखिर स्लाइम वहां पर क्या कर रहा है। तभी बारी आ जाती है स्केलेटन की, लेकिन स्केलेटन देखता है उसके आसपास के सारी चीजें गायब हो चुकी हैं। लेकिन उसे पता चलता है न जाने उसकी टीम में कौन आ चुका है। दैट्स व्हाई ये सारी चीजें हो रही हैं, और जिसके बाद वो सबसे लास्ट वाले ऑब्स्टिकल में पहुंचता है। जैसे वो लास्ट वाले ऑब्स्टिकल में पहुंचता है वहां पर वो अचानक से बादलों पे जाने वाला था और वो नॉक्ड आउट हो जाता है, जिसके बाद वो लोग अपना सर पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं अब इन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अब बारी आ चुकी थी लास्ट में विदर स्केलेटन की। विदर स्केलेटन अपनी ओपी पावर की मदद से इतना ज्यादा आगे जाता है कि वो मून पर आ जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।